ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों का जून का महीना कैसा जाएगा। तो चूंकि जून का महीना मेष राशि वालों के लिए थोड़ा उलटफेर करने वाला है, इनके जीवन में कुछ जगहों पे अच्छी सफलता मिलेगी तो कुछ जगहों पे परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। विशेषकर इनको अपने स्वास्थ्य के मामले में, खान पान के मामले में सावधानी रखनी चाहिए, यात्रा के दौरान प्रतिस्पर्धा से बचनी चाहिए और जहाँ तक हो सके लेन देन में कम से कम लेन देन करना चाहिए, विशेषकर किसी को उधार देने से बचना चाहिए। जहाँ तक पारिवारिक जीवन है तो परिवार के मामले में इनका जीवन अच्छा है, लाभप्रद है, परिवार में कोई शुभ कार्य भी होगा और इसमें ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाई बहनों से भी इनके संबंध अच्छे रहेंगे, उनका भी सहयोग इनको पूर्ण रूप से मिलेगा। हाँ, अगर आप घर मकान के साथ साथ कोई वाहन लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास कोई वाहन, नया वाहन आने का योग है और उससे आप अति प्रसन्न रहेंगे। शिक्षा दीक्षा के मामले में देखा जाए तो ये आपके लिए जरूर कुछ परेशानी खड़ा करेगा, लेकिन यह है कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन आपके इस महीने में थोड़ा लेट फल मिलेगा लेकिन संतोषजनक फल रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। हो सकता है आपके और आपके प्रेमिका या प्रेमी के बीच में किसी बात पे मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर आप उत्तेजित नहीं होंगे, क्रोध से बचेंगे तो फिर मामला अपने आप शांत हो जाएगा और जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। धार्मिक क्रियाकलाप के मामले में यह है कि आपको कोई यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, विशेषकर तीर्थ में, किसी मंदिर में, अच्छी जगह पे, जिससे कि आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। काम के क्षेत्र में देखा जाए तो यह है कि काम के लिए आपको भागदौड़ करना पड़ेगा, अपने स्थान से दूर की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वह यात्रा आपके लिए सफल सिद्ध होगी। यदि आप व्यापार बिजनेस के क्षेत्र में हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा और अच्छे कार्य से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। हाँ, जहाँ तक रही कि अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान अपने धन व्यय में थोड़ी सावधानी रखिए, क्योंकि अधिक धन व्यय होने की संभावना बन रही है जो आपके लिए बेवजह का फालतू खर्चा में है जो होगा, इसलिए उससे आप बचने का प्रयास करें। इस महीने में अगर आप गाय को गुड़ या रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए अति शुभ होगा। नमस्कार।